सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरु। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान सदगुरु की कृपा से ये श्रीमद् वेदांत भागवत के सातवें स्कंद का छठा अध्याय है। प्रहलाद की कथा चल रही है। तो प्रहलाद ने क्या किया, असुर बालकों को भगवान के गुणानुवादों की शिक्षा देना शुरू कर दिया। मित्रों, प्रहलाद कहते हैं असुर बालकों से, मित्रों इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, भैया ये समझ लो कि शिक्षा आप लोगों के लिए है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापा या जवानी के भरोसे रहकर इंतजार न करके बचपन में ही भगवान की प्राप्ति करने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। पहला श्लोक। इस मनुष्य जन्म में श्री कृष्ण भगवान नारायण के चरणों की शरण लेना यानी अंदर के स्वरूप को जानना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी सुहृद प्रियतम और आत्मा है। इंद्रियों के भोग तो मनुष्य जन्म के अलावा अन्य योनियों में भी आप लोग भोगते ही आए हैं, तो इन भोगों में अभी भी उलझ जाते हैं तो उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। यह चौथा श्लोक है। हमारे सिर पर अनेक प्रकार के भय सवार रहते हैं। यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोगादि से मृत्यु के मुख में नहीं जाता तब तक विद्वान पुरुषों को कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। ये पांचवा श्लोक है। मनुष्य का आधा जीवन इंद्रियों में और आधा जीवन निंद्रा में, नींद में समाप्त हो जाता है। बचपन से उसे हित अहित का ज्ञान रहता नहीं। वो कुमार अवस्था खेल खेल में बीत जाती है और फिर कामनाएं पकड़ लेती हैं, और युवा होता है तो घर द्वार की चिंता, और अंत में आसक्त होकर बुढ़ापे में दूसरे जीवों के आश्रय होकर इसमें जीव इतना उलझ जाता है कि क्या करे और क्या ना करे, कर्तव्य और अकर्तव्य का उसको ज्ञान और बोध नहीं रहता, इसलिए बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। आठवां श्लोक है। ये भगवान प्रहलाद जी जो हैं वो सुना रहे और जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को इन इंद्रियों से छुड़ाने का साहस कर सके। ये नवा श्लोक है। धन की तृष्णा को भला कौन त्याग कर सकता है, पत्नी और बच्चों से कौन अपने आप को छुड़ा सकता है, पुत्री बधुओं भाई बहन स्नेह पाश में बंधे हुए पशु तक सेवकों से भी प्रेम करने वाले को उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। ये बारवां श्लोक है। रसनेन्द्रिय जननेन्द्रिय अतृप्त भोग वासनाओं के लिए लोभ बस कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम की कीड़े की तरह
और कड़े बंधनों में जकड़ता चला जा रहा है, जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह किस प्रकार विरक्त हो सकता। यह 13वां श्लोक है। कुटुंब में मेरापना और उसके पालन में पूरी आयु गंवा देता है। इसी प्रमाद के कारण दैहिक और दैनिक भौतिक तापों में जकड़ा जा रहा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। और ये भगवान का यदि राज हो जाए तो इससे बच सकता है। फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। उसका मन धन के चिंतन में सदा लवलीन रहता है। वह दूसरों के धन चुराने के लौकिक परलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं के कारण भोग की लालसा में चोरी कर बैठता है। भाइयों, इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालन में लगा हुआ कभी भगवान का भजन नहीं करता। वह विद्वान हो तो उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे कितना भी विद्वान हो जाए, क्योंकि वह अपने परायों का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान तम प्रधान गति प्राप्त होती है। ये 16वां श्लोक। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उनका कठ पुतला उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है, उसने अपने पैरों में सनातन रूप से अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ी जकड़ ली है। वे बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। ये 17वां श्लोक है। इसलिए भाइयों, तुम विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदि देव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है उन महात्माओं के वे ही परम प्रिय और परम गति हैं। 18वां श्लोक। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न करना नहीं पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और सर्वत्र उनकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। 19वां श्लोक। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में पंचभूतों से बने हुए वस्तुओं में पंचभूतों में सूक्ष्म तन्मात्राओं में महत्त्वों में तीनों गुणों में गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य मधुर ऐश्वर्यों की खान है। 20 और 21वां श्लोक। तिनके से ब्रह्मा तलक स्थावर जंगम जगत में सतगुरु आप समाये हैं, करूं प्रणाम अनुरक्त में। ये गुरु गीता भी कहती है। वही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में है, वही दृश्य जगत के रूप में है, सर्वथा अनिर्वचनीय विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा दृश्य और व्याप्त और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जा सकता है। ये दृष्टा भाव यहाँ पर आ गया है। 22वां श्लोक। निर्विकल्प अनुभव स्वरूप आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही है। गुणमयी सृष्टि करने वाले माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इस माया के निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए दैत्य पुत्रों, आप आसुरी संपदा का त्याग करके सब पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। 24वां श्लोक। आत्मविद्या तो सदा परमात्मा में जीने की कला है, परंतु कर्म कांड न्याय तर्क शास्त्र दंड नीति और जीविका के विभिन्न साधन ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं, परंतु ये अपने परम हितेशी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं, तभी इन्हें मैं सत्य सार्थक मानता हूं, अन्यथा ये सब बेकार है, निरर्थक है। देखो, इसमें कर्मकांड, न्याय, दंड नीति ये जीविका के साधन बताएं और वेदों के विषय बताएं, और यदि ये परमात्मा की ओर नहीं ले जा रहे तो ये बेकार है, निरर्थक है। भागवत में कितनी बार खंडन किया भगवान ने, कई तरह से किया, कभी प्रहलाद के रूप में, कभी कपिल के रूप में, तो कभी
नारद के रूप में, तो कभी विदुर के रूप में, कितने कभी कितने अवतारों में खंडन किया, फिर भी ये लोग मूढ़ बुद्धि नहीं समझे तो क्या कर सकते हैं। ये ज्ञान जो मैंने आपको बताया, ये भगवान नर नारायण ने नारद जी को उपदेश दिया था, यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने शरीर को नहला लिया है। ये 27वां श्लोक है। सतगुरु नारद का ही रूप है, वही भगवान का दर्शन करा सकते हैं। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। मैंने भगवान के दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद के मुंह से सबसे पहले सुना था। 28वां श्लोक है। अब ये बताओ, भागवत ये है जो अभी प्रहलाद जी बता रहे हैं, और ये लोग भागवत और उल्टा सुलट कथा कहानी सुना के पैसा हजम कर रहे लोग। तब मित्रों ने पूछा, हम ये पूछते हैं कि तुम इतनी सी छोटी अवस्था में हो, हमने इन दो शुक गुरुओं के अलावा किसी को जाना नहीं, और आप बताएं नारद आपको कहां मिल गए। जब उन्होंने पूछा तो भगवान प्रहलाद ने, अब अगले अध्याय में मतलब 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि प्रहलाद जी कह रहे हैं, चूंकि अध्याय लंबा है, हाँ ये अध्याय 7वां अध्याय है, चूंकि ये लंबा अध्याय है इसलिए अपन इसको अगले प्रवचन मिलेंगे। शिवो शिवो।